राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव। प्रदेश की 100 सीटों के 10,000 बूथ ऐसे हैं जहां लोकसभा में तो बीजेपी को जीत मिलती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी पिछले 15 साल से हार रही है। ज्यादातर बूथ एससी एसटी प्रभाव वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने पिछले 3 बार के विधानसभा चुनाव में एक एक सीट के परिणाम का एनालिसिस किया है। इन सीटों पर प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की मॉनिटरिंग में स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है, जिसके तहत 100 सीटों पर ग्राउंड वर्क बढ़ाया जाएगा। हर सीट पर 100 बूथ ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां एससी एसटी वर्ग के वोटर्स की संख्या 300 से लेकर 800 तक है। एससी एसटी वर्ग से ही एक एक वॉलंटियर लगाए गए हैं। वॉलंटियर्स हर बूथ पर इन्फ्लुएंसर्स की डिटेल इकट्ठा कर रहे हैं। बूथ पर प्रभावी नेता कौन है उस पर फोकस किया जा रहा है, ताकि ऐसी रणनीति बनाई जाए कि उन्हें बीजेपी में शामिल किया जाए या उनको न्यूट्रल करके विपक्षी पार्टी को कमजोर किया जा सके। विरोधी पार्टी के प्रभावी नेता कौन है उनकी डिटेल जुटाई जा रही है। 10,000 बूथों पर नमो वॉलंटियर्स पार्टी की ओर से तय की गई फोकस पॉइंट पर डिटेल जुटाकर पार्टी तक पहुंचा चुके हैं और इन बूथों पर मॉनिटरिंग के लिए बूथ पालक और बूथ प्रभारी तैनात किए गए हैं। बूथ क्षेत्र के मंदिर मठ के प्रमुखों, एनजीओ और स्वयं सहायता समूह को भी चुनाव तक पार्टी से जोड़ने की तैयारी है। पूरा कार्यक्रम के पीछे हमारा जो मूल भाव ये है कि हम कैसे राजस्थान को अजय भाजपा के रूप में कन्वर्ट करें, ताकि आने वाले समय में न केवल इस बार बाकी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस प्रकार का प्रयास हमारा है। बीजेपी का ये अजय फॉर्मूला आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। दैनिक भास्कर के लिए जयपुर से बाबूलाल शर्मा की रिपोर्ट।